ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे प्रस्तुत करता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना। स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़ी गोवंश चुराने वाली टोली। अमरावती बालक के अपहरण से मची सनसनी। बड़ी उम्र की राष्ट्रीय शाला के मैदान पर युवक की नृशंस हत्या। राज्य भवन के प्रांगण में उतरी शिव सृष्टि। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने रविवार 21 फरवरी को 24 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन करने पर विचार किया है। यह लॉकडाउन प्रायोगिक तौर पर हो सकता है। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना का संक्रमण काफी बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रविवार 21 फरवरी को 24 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। यह संपूर्ण लॉकडाउन शनिवार की रात 12 बजे से रविवार की रात 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर न निकले। जिला और पुलिस प्रशासन को अपना सहयोग दे, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। अकोला जिल्ह्यात कोविडच्या संसर्गाची झपाट्याने जी वाढ होती आहे, मागच्या 4-7-8 दिवसामध्ये संख्या जी मोठ्या प्रमाणात वाढली, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही परवाच्या दिवशीच सगळ्या ऑर्डर्स काढलेल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली होती। परंतु मधल्या काळात त्याचा फारसा उपयोग आणखीही शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये होत असताना दिसून येत नाही, त्यामुळे आता लॉकडाऊनच्या दिशेने जिल्ह्याची वाटचाल चालू असली तरी पण लॉकडाऊन न करता पुन्हा एकदा लोकांना एक शेवटची संधी द्यावी या अनुषंगाने आम्ही आतापर्यंतच्या केलेल्या रिस्ट्रिक्शनमध्ये आणखी वाढ करण्याच्या विचारात आहोत। त्या संदर्भातल्या रितसर आदेश आम्ही लवकरच निर्गमित करीत आहोत। रेस्टॉरंट्स आणि बाकीच्या सर्व ठिकाणची जी गर्दी आहे ती गर्दी कमी करण्यासाठी कायम अनाउन्समेंट करणे आणि लोकांना गर्दीपासून कमी टाळण्याच्यासाठी ज्या ज्या काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्या सगळ्या उपाययोजना करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे। या व्यतिरिक्त एक आणखी एक स्टेप आम्ही घेण्याच्या विचारात आहोत, जी म्हणजे येत्या रविवारी संपूर्ण लॉकडाऊन, येत्या रविवारी आपल्याकडे संचारबंदी पण आपण लागू ठेवू आणि 24 तास म्हणजे एक शनिवारच्या रात्रीपासून ते सोमवारच्या सकाळपर्यंत असा एक 24 तासाचा कंप्लीट लॉकडाऊन ठेवण्याचा सुद्धा आम्ही विचार करीत आहोत। ही एक आपली पहिली एक छोटीशी स्टेप आहे, जेणेकरून लोकांना याची एक संधी उपलब्ध करून देणे, लोकांना एकदा त्याचं आवाहन करणे की आता जर का आपण या ठिकाणी थांबलो नाही आणि आपण घरात थांबलो नाही तर भविष्यामध्ये आपल्याला मोठ्या लॉकडाऊनला सुद्धा सामोरं जावं लागेल। माझी या निमित्तानं आपल्या शहरातील आणि जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना पुन्हा नम्र आवाहन आहे की आपण मास्कचा वापर करावा, सॅनिटायझरचा वापर करावा आणि अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराच्या बाहेर पडू नये। अत्यंत पुढचे दिवस अत्यंत धोक्याचे आहेत, पुढचे 15 दिवस जर का आपण आपल्यावरती नियंत्रण घालू शकलो तर मला वाटतं की आपण पुन्हा एकदा आपल्या पूर्वपदावरती येण्याची आपली आपण येऊ शकू असा मला विश्वास वाटतो। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गोवंश चुराने वाली टोली के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इन आरोपियों ने विभिन्न थाना क्षेत्र में 23 चोरियों की बात कबूली है, जिनसे लाखों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गोवंश की चोरी करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 23 चोरियों की घटना की कबूली दी है। इन आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए नगद तथा 4 चौपहिया वाहन, इस प्रकार 16,52,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया।
इस कार्रवाई में पुलिस ने शेख शकील, शेख जमील, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद जमील, जाकिर अफजल हुसैन, शेख सोहेल, शेख यूसुफ, मोहम्मद मुजीद, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, रहमत शाह, शोएब अजहर शेख, शेख सलमान, शेख अहमद कुरैशी को गिरफ्तार किया है। इस टोली ने पातुर थाने की हद में 5 चोरी, बालापुर पुलिस थाने की हद में 4 चोरी, सिविल लाइन थाने की हद में 3 चोरी, अकोटफेल पुलिस थाने की हद में 3 चोरी, बारशटाकली पुलिस थाने की हद में 2 चोरी, डाबकी रोड थाने की हद में 2 चोरी, कोतवाली थाने की हद में 1 चोरी, मुर्तिजापुर ग्रामीण में 2 चोरी, उरल थाने की हद में 1 चोरी, इस प्रकार 23 चोरियों की कबूली दी है। कुल 10 में से 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में एलसीबी के प्रमुख शैलेश सपकाल और उनके सहयोगियों ने की। सन 2020-2021 या कालावधीमध्ये पोलिटिशन पातूर, पोलिटिशन बाळापूर, सिव्हिल लाईन, बाशीटाकळी, उरळ तसेच अकोट, अकोटफाई, सिटी कोतवाली, डाकी रोड, मुर्तिजापूर ग्रामीण या वेगवेगळ्या पोलिटिशनच्या हत्तीमध्ये जनावर चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते। माननीय पोलीस अधीक्षक श्री जी श्रीधर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आहे ती एस आठवा, तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल एजाज, पोलीस कॉन्स्टेबल माझी, पोलीस कॉन्स्टेबल रवी यांचे एस आर सुनकर, तसेच अनिल राठोड व सायबर सेलचे कर्मचारी या सर्वांनी सदा गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने संशयित इसमांना ताब्यात घेतले। यामध्ये आपण एकूण 4 पोळ्या ज्या आहेत, या 4 पोळ्याचे एकूण 6 लोक ताब्यात घेतलेले आहेत आणि 4 जे आरोपी आहेत ते फरार आहेत। या 6 इसमांकडून एकूण 23 गुन्ह्याची उकल करण्यात, वरील कोटीच्या 23 गुन्ह्याची उकल करण्यात आलेली आहे। गुन्ह्यात गेलेला जो जनावर चोरीचा जो मुद्देमाल आहे त्यापैकी 252,900 रुपये राशी जप्त करण्यात आलेली असून 14,00,000 रुपयाचे एकूण 4 वाहने ज्या गुन्ह्यामध्ये वापरले ते जप्त करण्यात आलेले आहे। टोटल 16,52,900 रुपयाचा मुद्देमाल आपण वेगवेगळ्या पोलिसांच्या गुन्ह्यामधून जप्त केलेला आहे आणि संबंधित पोलिसांना ही आरोप हस्तांतरणाची कारवाई करून त्यांच्याकडून पुढील कारवाई व फरार आरोपी अटक करून त्यांच्याकडून उर्वरित मुद्देमाल जप्त करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे। अमरावती में एक बालक का अपहरण करने की घटना सामने आई है। इस घटना के कारण पूरे अमरावती शहर में सनसनी मच गई है। पुलिस सरगर्मी से अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। अमरावती में एक बालक के अपहरण करने का मामला सामने आया है। अमरावती के लाटेबाई स्कूल के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तब अपहरणकर्ताओं ने जसकरण लुनिया के पोते को उठाया और बाइक पर बिठा कर ले गए। इस घटना की जानकारी पाते ही रामदासपेट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली है। 18 घंटे के बाद अभी तक अपहरणकर्ताओं का पता नहीं चल पाया है। रात के समय पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। गुरुवार की सुबह पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने पीड़ित परिवार को भेंट भी दी है। अपहरण की इस घटना को हल करने में पूरी अमरावती पुलिस लगी हुई है। अकुला के बड़ी उम्र स्थित राष्ट्रीय शाला के मैदान पर 25 वर्षीय युवक की नृशंस हत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक गोपाल शिंदे को कुछ युवकों ने मोबाइल कर मैदान पर बुलाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अकुला शहर बड़ी उमरी भाग के गायत्री नगर रहने वाले 25 वर्षीय गोपाल शिंदे नामक युवक की नृशंस हत्या करने की घटना सामने आई है। यह घटना राष्ट्रीय शाला के मैदान पर हुई। इस घटना में गोपाल शिंदे पर चाकू और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपाल शिंदे को कुछ युवकों ने मोबाइल लगाकर राष्ट्रीय शाला के मैदान पर बुलाया था। उसके बाद गोपाल शिंदे पर चाकू और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने युवक का मृतदेह पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटनास्थल पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक शैलेश सपकाल, सिविल लाइन के थानेदार भानु प्रताप मड़ावी पहुंचे थे। युवक की हत्या किसने और क्यों की, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अकोला के स्वराज्य भवन के प्रांगण में शिव सृष्टि साकारी गई, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर राज्यभिषेक तक का महानाट्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में आए थे। सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर स्वराज्य भवन के प्रांगण में स्थानीय कलाकारों द्वारा शिव सृष्टि महानाट्य को प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से शिवकालीन संस्कृति उपक्रम व इस समय का काल प्रस्तुत किया गया।
नाटक, नृत्य और प्रसंगों के माध्यम से शिवकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया। एक प्रकार से स्वराज्य भवन के प्रांगण में शिव सृष्टि अवतरित हो गई थी। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों को यह प्रस्तुत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत गोंधल से हुई, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर शिवराज्याभिषेक तक के प्रसंग साकारे गए, जिसमें अफजल खान का वध का प्रसंग शरीर के रोंगटे खड़े कर रहा था। इस शिव सृष्टि को देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का संचालन पूजा काले ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने अथक परिश्रम लिया। गुटखा एवं तंबाकूजन्य पदार्थों पर शासन द्वारा भले ही प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन अकोला जिले में अवैध गुटखा व्यवसाय के अच्छे दिन आ गए हैं। रोजाना गुटखा व्यवसाय में करोड़ों का लेन देन चल रहा है। गुटखा एवं तंबाकूजन्य पदार्थों पर शासन द्वारा भले ही प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन अकोला जिले में अवैध गुटखा व्यवसाय के अच्छे दिन आ गए हैं। प्रति माह करोड़ रुपयों की कमाई वाला यह अवैध व्यवसाय कहीं अन्न व औषधि प्रशासन और पुलिस की मूक सहमति से तो शुरू नहीं है, इस प्रकार का संदेह जताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में ATC ने कई बड़ी कार्रवाई के बाद यह साबित किया है कि अकोला जिले में प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बड़े प्रमाण में बिक्री हो रही है और इस गोरख धंधे से करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। उसमें भी अकोला का MIDC क्षेत्र गुटखा व्यवसायियों के लिए तीर्थ क्षेत्र बन गया है। ATC और LCB ने पिछले कुछ दिनों में लाखों रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला जिले में रोजाना करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा आ रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस के साथ ही अन्न व औषध प्रशासन को रहती है, लेकिन दोनों विभाग धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक और कंटेनर में 90 से 1 करोड़ रुपये मूल्य का गुटखा लाया जाता है और आधे घंटे के भीतर गुटखा और सुगंधित तंबाकू के माल को गोदामों में उतारा जाता है। बाद में छोटे मालवाहक वाहन और दुपहिया के जरिए गुटखे के माल को पहुंचाया जाता है, जिसके कारण राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध होने के बाद भी अकोला जिले में प्रतिबंधित गुटखे और सुगंधित तंबाकू की खुलेआम तस्करी के साथ बिक्री हो रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के 52 से अधिक मेडिकल छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। सभी संक्रमित छात्रों पर सर्वोपचार अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में और 27 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसे देखते हुए GMC के पॉजिटिव मेडिकल छात्रों का आंकड़ा 52 से अधिक हो गया है, जिसके कारण मेडिकल पाठ्यक्रम की कक्षाएं बंद कर दी गई है। अगले आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज के MBBS प्रथम वर्ष के 18 दूसरे दिन और 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पॉजिटिव मेडिकल छात्रों का आंकड़ा 25 तक पहुंच गया। उसके बाद और 27 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पॉजिटिव छात्रों का आंकड़ा 52 से अधिक हो गया है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं बंद की गई है और सभी पॉजिटिव छात्रों का उपचार सर्वोपचार अस्पताल में किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सभाएं ऑनलाइन लेने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा ऑफलाइन ली गई, जिसमें शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। एक ओर अकोला शहर सहित जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन इसे रोकने में लगा है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने गुरुवार को महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा को ऑनलाइन लेने के आदेश दिए थे, जिसके कारण सर्वसाधारण सभा को ऑनलाइन लिया गया, परंतु जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा ऑफलाइन ली गई। इस सभा में पूरा सभागृह भरा हुआ था, जिसमें अधिकांश सदस्यों ने मास्क ही नहीं पहना था। जिलाधिकारी के आदेश क्या महानगर पालिका की सभा को लेकर था या फिर जिला परिषद को भी इसके आदेश दिए गए थे, यह पता नहीं चल पाया है। महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन और जिला परिषद स्थायी समिति की सभा ऑफलाइन, इसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति द्वारा शिवाजी पार्क में वॉल पेंटिंग स्पर्धा ली गई, जिसमें पार्क की दीवारों पर श्री शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से साकारा गया। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ शिव जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से शिव जयंती उत्सव के तहत विभिन्न उपक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत श्री शिवाजी पार्क में वॉल पेंटिंग स्पर्धा ली गई, जिसमें कला महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया है। शिवाजी पार्क स्थित चार दीवारी पर शिवकालीन चित्र साकारे गए हैं, जिसमें हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर जीवन प्रसंगों को साकारा जा रहा है, जिसमें श्री शिवाजी महाराज का जन्म, विभिन्न प्रकार के युद्ध, अफजल खान वध, शिवराज्याभिषेक के चित्र साकारे जा रहे हैं, जिसके कारण शिवाजी पार्क को शिवराज्य का स्वरूप प्राप्त हो गया है। सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति के संकल्पना से शिवाजी पार्क को एक प्रकार से शिवकालीन स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ आने वालों को इसकी जानकारी होगी कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को ऐसे ही विश्व क्यों मानता है। लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल की कीमतें महंगी होने के कारण पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण वाहन धारक त्रस्त हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण वाहन धारक त्रस्त हो गए हैं। देश में लगातार 9वें दिन ईंधन की दरों में वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पेट्रोल के भाव प्रति लीटर 100 रुपए हो गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों द्वारा लगातार 9वें दिन पेट्रोल तथा डीजल के भाव में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की दर में 24 से 26 पैसों से, जबकि डीजल की दरों में 23 से 25 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। विश्व बाजार में क्रूड तेल के दर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण तेल कंपनियों ने ईंधन के भाव में वृद्धि शुरू की है। मुंबई सहित अधिकांश शहर में पेट्रोल डीजल के भाव अपने उच्चांक स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में पेट्रोल के दर 96 रुपए तक पहुंच गए हैं, वहीं डीजल के भाव 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जिसके कारण वाहन चलाए या फिर साइकिल निकाले, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना। स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़ी गोवंश चुराने वाली टोली। अमरावती बालक के अपहरण से मची सनसनी। बड़ी उम्र की राष्ट्रीय शाला के मैदान पर युवक की नृशंस हत्या। स्वराज्य भवन के प्रांगण में उतरी शिव सृष्टि। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।